ब्रह्मांड जिसकी कोई सीमा नहीं, ये कायनात जिसका कोई किनारा नहीं, अनगिनत राजों का बंद खजाना है। आज चांद इंसान के कदमों के नीचे और मंगल तारा उसकी हथेली पर है, फिर भी इंसान प्रकृति और कुदरत के सारे राज जानने में असफल है। अक्ल जब हार जाती है तो यकीन और ईमान, विश्वास और अंधविश्वास की शरण में आती है। सच्चाई सिर्फ वो नहीं जो नजर आती है, सच्चाई वो भी है जो नजर नहीं आती। इंसान कहां से आता है, कहां जाता है, क्या जन्म से पहले और मौत के बाद कुछ नहीं है? इन सवालों के जवाब इंसान न जाने कब से ढूंढ रहा है, और जब कोई जवाब मिलता है तो फिर वही जवाब सवाल बन जाता है। साइंस जहां चुप हो जाती है, वहीं से धर्म और मजहब आवाज देते हैं। हर धर्म हर मजहब का यकीन है कि जिस्म को मौत है लेकिन रूह को मौत नहीं, आत्मा अमर है। महान पुराणों में प्रेतात्माओं को बस में करने के जतन सिखाए गए हैं। कुरान करीम में समझाया जिन शैतान अच्छी बुरी रूहें मौजूद हैं। मुकद्दस बाइबल में बदरूहों का जिक्र है। कहते हैं जब कोई प्यासी आत्मा बदन की कैद से आजाद होती है तो प्रेतात्मा बनकर अंधेरे उजाले के इस घने जंगल में भटकती रहती है जिसे हम कायनात कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ये कहानी आज की प्रगति और पुरानी परंपराओं के बीच के शून्य में ठहरी हुई है। जादू टोना। डैडी डैडी गाड़ी रोकिए ना। दीदी देखो कितनी खूबसूरत जगह है। हर्षु जी आप ही देखिए, पहली बार गांव आई है ना। डैडी आप तो देखिए ना, हाउ ब्यूटीफुल फील्स आर। बेटी तू जी भर के देख ले, मैं तो पैदा ही यहाँ हुआ हूँ। ये मेरी मदरलैंड है। मदरलैंड क्या? जन्मभूमि। हाँ जन्मभूमि। डैडी भूमि इतनी खुली जगह क्यों नहीं है? डैडी इस मोटी की शादी किसी गांव के गवार से करवा दीजिए। और आपकी उस शहर के बंदर से। हर्षु। अरे बेटी ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारा होने वाला जीजा है। होगा लेकिन बिल्कुल बंदर जैसा। I hate him, डैडी आप चलिए। ओ, तुम लोग खामखा झगड़ा करते रहते हो, चलो। शायद गंगाराम को छोड़ आया होगा। अमीर सिंह जी उसको बोल गांव में जाने से पहले पीपल को प्रणाम करके जाए। बाबूजी मोटा रहो, मुझे आपका आधा घंटा चाहिए लेकिन बात करना सिर्फ दो मिनट। क्यों क्यों? बाबू ने कही है कि पीपल को प्रणाम करके गांव में चले जाना। अरे चल तुम गांव वाले लोग धुर्रे के धुर्रे रहोगे, जाहिल कहीं के। चल आ जाए यहाँ से। ओह माय गॉड क्या हुआ? शायद पेट्रोल में कचरा फंस गया, अभी देखता हूँ। रुकने का ठिकाना है ना चलने का ठिकाना, अपने आप ही रुकती है, अपने आप ही चलती है। पायला को बाबूजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पायला को बा जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। जीती रहे जीती रहे मेरी मुन्नी बिटिया। बड़ी हो देखो बेटा। हाय ग्रैनी, हाय 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 माय ग्रैंड पापा, हाउ आर यू? अरे वर्षा
आते ही न नमस्ते न प्रणाम, ये हाय हाय क्या शुरू कर दिया। अरे झुककर पांव छूना भी नहीं आता है। बेटी कमर में दर्द है क्या? बिल्कुल। बाबूजी, माँ जी, ये बंबई के लड़के लड़कियों का प्रणाम करने का तरीका है। वो पुराना जमाना था जब लोग झुका करते थे। तो बेटी हम दोनों पुराने जमाने के हैं, तो क्या हमें छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ले जाके जलपान बलपान कराओ, ले जाओ। अमीर आया पांडे जी। आया? अरे अमीरे, अरे कब आए भाई? बस अभी भी आया भोलेनाथ पांडे। हाँ, कब जा रहे हो? बिल्लू, वो जो पीपल का पेड़ है ना, उसके नीचे नमस्कार नहीं किया तो क्या होता है? जी, बहुत कुछ होता है। एक बार एक आदमी नहीं रुका तो भूत ने उसको, तो चलो तुम किसी को बताओ नहीं तो बच्ची मुझे मारेगी। चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। अंग्रेजी जी बधाई गा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू ग्रैंडपापा। हैप्पी बर्थडे। दादाजी अब 100 बरस जिए। 100 बरस? बिटिया ये बड़ी लंबी उम्र है। क्यों, अभी पोतियों के बेटे नहीं खिलाओगे? अमीर की माँ, बहुत लालच मत करो। जितनी गुजर गई अच्छी गुजर गई। अच्छा चुप रहो बेटा, पहले ये बताओ वर्षा की शादी ठीक की है कि नहीं? बस माँ, बहुत जल्दी तारीख पक्की कर दूंगा। अच्छा, तो लड़का कैसा है? बिल्कुल बंदर जैसा। शट अप, देखा शर्मा के चली गई। अरे शर्मा के नहीं गई है, बिगड़ के गई है। बेटा अमीर, लड़का इसे पसंद नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है बाबूजी, जरा बचपना है, समझती नहीं है। समझ जल्दी समझ जाए। समझ जाएगी, समझ जाएगी। बंबई में पैसा बहुत है, बहुत है, लेकिन असली जिंदगी पूछो तो यहाँ पे मैं बैठा। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे बिटिया, इस सवेरे सवेरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? घूमने जा रहे हैं। घूमने? अरे ओ अमीर की माँ, अरे काहे चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा हूँ, यहाँ आके देखो लड़कियाँ अकेले कहाँ जा रही हैं। हाय राम, अकेले? जल्दी आ जाएंगे ना? माँ जल्दी आ जाएंगी। अच्छा अच्छा, तैयार ठहरो। नजर न लगा, ये लो काला टीका लगा। नानी क्यों शक्लें बिगाड़ रही हो? ये लो। ओहो माँ, रहने भी दो, ये सब पुरानी बातें। ये सब पुरानी बातें हैं भाई, छोड़ो। ए बिल्लू रख, तुम लोगों के साथ जा और जल्दी से लौटा के ले। कुर्सी और छाता भी ले आना। कुर्सी और छाता। बाय बाय। कुर्सी और छाता। बाय डैडी। बाय बाय बाय। तनी इनका देखो, ये भी बच्चों के साथ बच्चा हो ही गए हैं। धरती का प्यारा प्यारा, धरती का
इधर आओ। मेरी मदद करोगी? अलमारी में दवा की शीशी रखी है, वो दवा मुझे पिला दो, पिला दो। जरा बगल हट जा बेटा, तुम उठो, मेरी बेटी प्रेत आत्मा की चपेट में आ गई है, मैं गंगा जल डालूंगी। गंगे 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 गंगे, शरीर शुद्धम शरीर शुद्धम शरीर शुद्धम शरीर शुद्धम शरीर शुद्धम। ले डैडी, पता नहीं ये सब क्यों कर रहे हैं, आप किसी डॉक्टर को बुलाइए ना। हाँ भोलेनाथ जी, जी जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलवाइए। अच्छा, हेलो डॉक्टर विक्रम, मैं भोलानाथ पांडे, यहाँ फौरन चले आओ, अपनी मोटर में चले आओ। हाँ हाँ, पूरी फीस मिलेगी। ओ यस यस, श्योर श्योर। ओहो, ये भीड़ क्या लगा रखी है, चलो तो भाग जाओ, गेट आउट। आई सी। ओहो देखो, अरे ओहो, पलंग को जरा हवा में लीजिए। यस मूव मूव मूव, हरी अप हरी अप। गुड, क्या हुआ था इसे? घूम रही थी, अचानक दौरा पड़ गया। नहीं नहीं, भूत ने पकड़ लिया। देखा जा। भूत का बच्चा, मिर्गे का दौरा होगा, चुटकी बजा के मैं इसे अच्छा कर देता हूँ। बच्चों का डॉक्टर जो हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे ये बताओ ये दौरा इसे कहाँ पड़ा? कोई खंडर था पन्ना लाल का।
मेरी बेटी पर जरूर प्रेत आत्मा है पन्ना लाल का, मैं अभी टुटका करती हूँ। अलाय बलाय निकट नहीं आवे, बजरंग बली जब नाम सुनावे, जय हनुमंता। कौन है ये? कोई साधु है। डैडी अब हर्षू के पास बैठी, मैं अभी देखती हूँ। जय हो महाराज जी की। है अवश्य है, इस समय इस घर में प्रेत आत्मा अवश्य है। जाओ और जाकर एक काला कपड़ा, एक काला मुर्गा, एक मन काला चना, एक शेर काली मिर्ची और 21 लींबू लेकर आओ तुरंत। मगर किस लिए? तुम कौन हो बालके? ये मेरी बड़ी पोती है महाराज। बालके, हम प्रेत आत्मा के विनाश के लिए साथ करेंगे और ये सामग्री हवन जाप के काम आएगी। हमें इन बातों पर विश्वास नहीं, हम प्रियत आत्मा को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते बालके? क्योंकि ये सब आप लोगों का पाखंड है, ढोंग है। बेटी, प्रियत आत्मा ना होती है ना ही किसी ने देखी है। बेटी, भगवान को मानती हो? हाँ मानती हूँ। उसे भी तो किसी ने नहीं देखा। दुख सुख हर्ष आनंद स्नेह बैर किसी भावना को किसी ने नहीं देखा। आप काफी स्मार्ट मालूम होते हैं। कितना रुपया चाहिए ले जाइए। बहुत घमंड है पैसे पर, हम कुछ लेने नहीं देने आए थे। बेमोल बेदाम। थैंक यू वेरी मच। चल ना बेटी। धन्यवाद, हमारा अपमान कराने लाए थे। क्षमा महाराज, 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 हम पर दया कीजिए, दया कीजिए महाराज, हमारी पोती तड़प रही है, कुछ तो आत्मा कीजिए महाराज, दया कीजिए। नहीं माई, हम तो आपकी पोती को प्रेत आत्मा के बंधन से मुक्त कराने आए थे, परंतु उसकी बहन को हम पर विश्वास नहीं है और ये ज्ञान विश्वास पर आधारित है। महाराज, हमें तो आप पर विश्वास है, आप ही उसकी जान बचा सकते हैं, दया कीजिए महाराज, उसकी जान बचाइए प्रभु। ये तो अभी इस पंच धातु का बना हुआ है, ओम का 3 बार जाप करके पोथी की बांह पर बांध देना, जब तक ये बना रहेगा कोई प्रेत आत्मा उसे तंग नहीं कर सकेगी। जय बजरंगबली। जय महाराज की, जय महाराज की। बेटा आमिर, मैं चाह रही थी कि मुनिया का पूरा इलाज बजरंगी बाबा करे, मगर तुम लोग पढ़े लिखे हो, विश्वास नहीं करते, ये ताबीज का बांध। दादी, ये सब फजूल की बातें हैं। नहीं बेटी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ। अरे अरे माँ, कैसी बातें कर रही है? ठीक है, बांध दो ताबीज। डैडी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ऊपर जाके पैकिंग करती हूँ। डैडी, दादी, आप मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हैं? तू कैसी है बेटी? मुझे क्या हुआ, मैं तो सो रही थी। हाँ, तो सो रही थी, सो रही थी मेरी बच्ची। अच्छा माँ, अब चलते हैं। सो के रहा बेटा मुनिया। अच्छा बाबूजी। चलो बच्ची। बेटी, मुनिया का खबर देना। जहां मेरी मैना, भगवान पल पल चिन चिन तेरी रक्षा करे।
कुछ नहीं बेटे। एक्सरे तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा नर्स सर, बेबी का ब्लड टेस्ट ले लो। ओके भाई कबर्ड, इसे दस आदमी नहीं हिला सकते थे, इसने एक हाथ से हटा दिया। लगता है ये पागल है। अमीश चंद जी, इसका इलाज कोई साइकेट्रिस्ट ही कर सकता है। आप इसे डॉक्टर आर्या के पास ले जाइए। डॉक्टर आर्या? जी हाँ, डॉक्टर कैलाश आर्या। कॉलिंग वीटी 786। VT 786। डॉक्टर कैलाश आर्या, आपके हॉस्पिटल में जरूरत है। Am I clear to land? Roger. सोनू, मेरी बात तो सुनो। इस बेचारे को क्यों मारते हो? मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी किया है तो मुझे मारो। तुमने मुझे बहुत मारा है। मान लो, मैंने मेरे बाबू का मारा ला बाबू को। यस सर। बोलू को इसके वार्ड में ले जाओ और माफिया के इंजेक्शन दे दो। ओके सर। डॉक्टर, ये बच्चे की पूरी केस हिस्ट्री क्या है? सौतेली माँ के कहने से इसके बाप ने इस बेचारे पर इतना जुल्म किया कि ये पागल हो गया। जब कभी इसके यादों के तार छिड़ जाते हैं तो इस पर खून सवार हो जाता है, इसलिए कभी कभी इसके गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए मुझे ये नाटक भी करना पड़ता है। That's right, डॉक्टर, मुझे इसका बाप बन के मरना भी पड़ता है। आइए डॉक्टर। फिर वो बाप के मरने से इतना रोता क्यों है? As we all know very well, डॉक्टर, इंसान का सबकॉन्शियस उलझा हुआ है। नफरत और मोहब्बत, प्यार और इंसाफ, दोनों इंसान की फितरत में है। कभी कोई जज्बा उभरता है, कभी कोई। लेकिन ये बच्चा जितना अपने बाप से प्यार करता है उससे उतनी नफरत भी करता है। डॉक्टर कैलाश, मेरा नाम वर्षा है, मैं आपको लेने आई हूँ अपनी छोटी बहन को दिखाने के लिए। आपने अपॉइंटमेंट लिया? जी नहीं, आप अपनी फीस ले लीजिए, कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। कितनी फीस देंगी आप? कितनी चाहिए आपको? मिस वर्षा, जितना आपके पास पैसा है उतना मेरे पास वक्त नहीं, आप जा सकती हैं। ठीक है। अनारकली, अच्छा हुआ कि तुम दीवार में जिंदा चुनवा दी गई। अगर मुर्दा चुनवा दी जाती तो हमारी जिंदगी के 3 करोड़ साल बेकार जाते। दुनिया बदल गई, घोड़े मोटे बन गए, भिर 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 भिर, खच्चर क्या बन गए, एक फटफटिया बन गए, पिड़िक 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 पिड़िक, और कबूतर जो थे वो रॉकेट बन गए। क्या कहा? हेलो हेलो, रॉकेट क्या है? रॉकेट दारू का नाम है जो मंगल तारे पे गई हुई है, और मंगल तारा जो है वो झूम रहा है। झूम शराबी, झूम शराबी, झूम शरा, क्या क्या कहा? मैं तुमको दीवार से निकालूंगा कैसे? अरे ये फावड़ा किस दिन काम आएगा? फावड़े दिखा अपना कमाल। टका डिंग टका डिंग टका डिंग टका डिंग टका डिंग टका डिंग टका।
शहजादे सलीम, ये आज क्या हो रहा है? दुर्जन सिंह मेरे वफादार दोस्त, तुम घंटे बजाते रहे और मेरी घंटी बजती रही। मैं अनाल करी जिंदा दीवार में चुनवा दी गई, 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 चुनवा दी गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तुम्हें अनारकली वापस ला देंगे, समझे? क्या वापस दे जाओगे? दुर्जन, दुर्जन डॉक्टर, इसकी बातों पे मत जाइए, ये हमारा बेटा नहीं है, ये सलीम है डॉक्टर। देखा है दुर्जन सिंह, ये तुमको डॉक्टर कह रहा है, बुड्ढा पागल हो गया। बुड्ढा तेरा बाप, एक दो तीन, ठहर फिर से, दो सलीम, बाप बेटे आपस में नहीं लड़ते। इसके बाप की क्या बोलूं? चलो हम तुम्हें अनारकली से मिलाएं। अनारकली से मिलाओगे? जी, ये डॉक्टर कैलाश आर्य बहुत घमंडी है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। आपको दूसरे डॉक्टर का बंदोबस्त कीजिए। नहीं बेटी नहीं, हर्षा के इलाज के लिए डॉक्टर कैलाश से बेहतरीन और कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने इसकी पूरी तरह से छानबीन कर ली है और कल की अपॉइंटमेंट भी ले ली है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता, इट्स ऑल हम्बक। मैंने डॉक्टर सेन की रिपोर्ट गौर से पढ़ी है, आई थिंक इट्स अ केस ऑफ एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी का दौरा कहते हैं, अदरवाइज द चाइल्ड इज क्वाइट नॉर्मल। डॉक्टर, नॉर्मल लड़कियां क्या ऐसी होती हैं जिनकी आवाज बदल जाती है कभी कभी? लेकिन वो इतनी भारी चीजें हटा सकती है जिन्हें 10 आदमी मिलकर भी नहीं हटा सकते? हो सकता है। कैसे? कुछ साइकिक केसेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इंसान की जिस्मानी ताकत बेहद बढ़ जाती है। अगर ऐसी बात है डॉक्टर, तो वो तावीज पहनते ही शांत क्यों हो जाती है? ये महज एक इत्तेफाक है मिस्टर अमितचंद, अगर आपको तावीज और जादू टोना पर इतना ही भरोसा है तो आप मेरे पास क्यों आए? हर्ष डैडी की फेवरेट है, प्लीज प्लीज डॉक्टर। यस सर। नर्स ब्रिंग द पेशेंट। ओके सर। गुड मॉर्निंग डॉल। गुड मॉर्निंग डॉक। हाउ आर यू? फाइन, एंड यू? सुपर फाइन। अरे वाह, क्या खूबसूरत कपड़े पहने हैं तुमने। अच्छा, तावीज भी पहन रखी है, किसने दी? दादी ने दी थी गांव में। अच्छा, क्या मैं इस तावीज को अपने पास कुछ देर के लिए रख सकता हूँ? थैंक यू। अब मैं तुम्हारा एक्सरे लूंगा और उसके बाद आई विल गिव यू अ बिग बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। थैंक यू डॉक्टर। दैट्स अ स्वीट हार्ट। नर्स, टेक हर इनसाइड। ये तावीज आप अपने पास रखिए। अब बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सेवेंथ स्टैंडर्ड। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। लेकिन डैडी स्कूल कहाँ जाने देते हैं? क्यों? वो तो कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। ये तो तुम्हारे डैडी का वहम है। मैं तुम्हारे सिर्फ दो एक्सरे लूंगा, उसके बाद तुम एकदम ठीक हो जाओगी। जरा ऊपर देखो, दैट्स इट। नाउ डॉल, एक सेकंड के लिए सांस रोक लेना। हाँ, ओके डॉ। दैट्स अ गुड गर्ल, शूट। नाउ जस्ट वन मोर, ओके?
माय गॉड, इसको अपना नया पेशेंट हर्षा है, उसके पास गोश्त आता है, गोश्त। तुम्हारा मतलब भूत? हाँ, भूत। आइए आइए शांति प्रसाद जी, आज अचानक कैसे आना हुआ? हमारे दामाद जी कैसे हैं? मेरा बेटा तो ठीक है, लेकिन सुना है आपकी छोटी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं? हाँ, लेकिन कोई खास बात नहीं, एक बहुत बड़े डॉक्टर का इलाज चल रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगी। अमीर चंद जी, डॉक्टरों के पास भूत प्रेत का कोई इलाज नहीं होता, गांव वालों से मुझे सब पता चल चुका है। नहीं नहीं शांति प्रसाद जी, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन भूत प्रेत तो किसी से हमदर्दी नहीं होती। आज छोटी को पकड़ा है, कल को बड़ी को दबोचेगा, और फिर मेरे बेटे की बारी आएगी। मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकता। आप क्या कह रहे हैं शांति प्रसाद जी? जरा सोचिए, सोसाइटी में मेरी चर्चा होगी, मेरी लड़की की बदनामी होगी, उससे कोई शादी नहीं करेगा। हो न हो, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। सुनिए, मेरा भी फैसला सुनते जाइए। मैं खुद नहीं चाहती थी आप जैसे इंडिसेंट फैमिली में मेरी शादी पक्की हो, मगर डैडी के लिए चुप थी। डैडी, इनसे कहिए यहाँ से तशरीफ ले जाए। कहाँ जा रहे हो? नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? जिस घर में भूत प्रेत रहते हैं उस घर में हम एक मिनट भी नहीं रह सकते, हो सके तो इस पते पे हमारी तनख्वाह भेज दीजिए। अल्लाह, जरूर उस बच्ची पे जिन का साया हो गया होगा। हमारे मोहल्ले में भी एक मर्दियों को चुड़ैल ने पकड़ लिया था। अच्छा? वो भी औरतों की जैसी आवाज में बातें किया करता था। तो बेगम, क्या तुम जिन भूत प्रेत को मानती हो? हाँ, लेकिन रात को ऐसी बातें ना किया करो, मुझे डर लगता है। रात को सोते वक्त मैं अटल कुर्सी का पढ़ के फूंक दूंगी। तुम कितनी अच्छी हो बेगम, मैं भी तुम पर अटल कुर्सी पढ़ के फूकूंगा। आप? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मे आई कम इन? प्लीज कम इन। थैंक यू। हर्षा कैसी है? क्वाइट नॉर्मल, ऊपर अपने कमरे में सो रही है। अकेली है वो? जी, मम्मी के डेथ के बाद वो उसी कमरे में सोना पसंद करती है। आपकी डैडी कहाँ है? अभी अभी सोए हैं, स्लीपिंग पिल्स खा के, बहुत परेशान है। आपको चाहिए कि आप उन्हें समझाएं। कैसे समझाऊं? क्यों? जब तक हर्षो की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, हमारे घर की परेशानी दूर नहीं हो सकती। मिस वर्षा, अगर आपकी डैडी निराशा की बातें करते तो मैं समझ सकता, लेकिन मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मां के गुजरने के बाद मैंने हर्षो को इतना बड़ा किया, अगर हर्षो को कुछ हो गया। सुनिए, आप मुझे रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप हमेशा हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए फूलों की तरह। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हर्षा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, और जब भी आपको मेरी जरूरत हो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। Thank you.
से चुड़ैल पकड़ा, मेरी जान चली जाएगी। अच्छा तो समझी उस चुड़ैल का पता तो ये ही कुछ नहीं समझ रहा। मेरे आने तक स्कूल में ही रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। ओके दीदी, बाय बाय। बाय। आप मुझे रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप हमेशा हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए फूलों की तरह। डॉक्टर, तुम अर्शु का कितना ख्याल रखते हो। दिन में तीन तीन बार उसे मिलने के लिए आते हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? इसमें शुक्रिया की क्या बात है मिर्चन जी। हर्षा इतनी प्यारी है कि मैं उसकी तरफ खींचा चला आता हूँ। वो मेरी पेशेंट ही नहीं बल्कि मेरे लिए एक चैलेंज है। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। बहुत दिनों से ऑफिस नहीं जा सका, आज जा रहा हूँ। तुम बैठो, वर्षा अंदर है। तो बता तुम था तो हाँ।
कुछ और निखर जाता है, पल के झुकती है तो काल संवर जाता है। कोई कोई से वो कुछ सोचती जब हम छह से डॉक्टर विक्रम को बुलाइए। हेलो, मैं डॉक्टर विक्रम बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं बलबीर बोल रहा हूँ। कौन? बलबीर? अरे वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन भैया तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बम्बई आया हूँ? आखिर तुम्हारा पार्टनर जो हुआ, आज जरा मिल जाना, जरूरी काम है। लेकिन कहाँ मिलना है? हैंगिंग गार्डन में। हैंगिंग गार्डन में? उधर देख, अजीब शहर है बंबई। दो मिनट बैठकर प्यार की बातें भी ठीक कर सकते हैं। चल जल्दी चल, गिरेंगी। चल आ रही। मैं पन्ना लाल हूँ। नहीं 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 नहीं, वही तेरा पुराना मालिक याद है? 20 साल पहले तूने मुझे बेदर्दी से मार दिया था। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात धनीराम साहब, इस पे सही कर दीजिए साहब। क्यों? बच्चे के एडमिशन के लिए। कितने बच्चे तुम्हारे? 8 बच्चे सिर्फ। तुम्हारे 8 बच्चे? जी हाँ साहब। शाम को जब घर जाते हो उसके बाद घर से तुम बाहर नहीं निकलते? बीवी बाहर छोड़ती नहीं साहब। दोस्त तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बीवी का है ना? पहले नसबंदी का सर्टिफिकेट लाओ, फिर मैं साइन करूंगा। जाओ। 8 बच्चे। हेलो, इंस्पेक्टर जॉली गुडमैन स्पीकिंग। और सब इंस्पेक्टर आनंद, क्या हुआ? मर्डर? कहां? हैंगिंग गार्डन्स। ऑलराइट। इंस्पेक्टर शर्मा। यस सर। एक फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट को हैंगिंग गार्डन भेज दो। क्या हुआ सर? कोई हाल बात नहीं, जस्ट मैटर ऑफ रूटीन। क्या? ओके सर। डैडी, डैडी हर्षो आई नहीं?
स्कूल में नहीं थी क्या? नहीं। तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पर मैंने उसे इंतजार करने के लिए कहा था। हर्षो कहाँ चली गई थी? मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? जल्दी छुट्टी हो गई, मैं पैदल आ गई। ठीक है बेटी, देखो आइंदा से कभी अकेले मत आना, समझी? नहीं आऊंगी दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। दीदी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे बहुत होमवर्क करना है। हाँ जाओ जाओ जाओ। डैडी लगता है दवाई असर कर रही है। कैलाश तो ज्यादा देर निकला। लेकिन बेटी डॉक्टर कैलाश तो बहुत प्राउड और बददिमाग इंसान है। कैलाश सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक गुड ह्यूमन भी है। जीसस क्राइस्ट, नो नो नो, दिस इज नॉट ए रूटीन मर्डर। एक आदमी की गर्दन इस तरह मरोड़ के तोड़ देना इतना इजी नहीं है। खूनी बहुत ताकत वाला मालूम होता है, क्यों? यस सर। एनी अदर क्लू? नो फिंगरप्रिंट सर, ओनली दिस लेडीज हेयरपिन। दिस इज नॉट ए लेडीज हेयरपिन, ये छोटी लड़की का हेयरपिन है, बच्ची का हेयरपिन। बट हाउ लाश के ऊपर बच्ची का हेयरपिन? स्ट्रेंज। एक मिनट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्लीज। ओके सर। चार बजे हैंगिंग गार्डन में खून हुआ था? जी नहीं, खून मुझे नहीं पता। तुम चार बजे वहां क्या कर रहे थे? मैं ब्याह कर नहीं हुआ जी, घर में टाइम नहीं मिले जी, इसलिए मैं लुगाई को लेकर पार्क पे गया जी, मेरी बेटी मदद करने के लिए। मैं फोटो लिया, वहां एक स्कूल की छोरी भी आई थी, छोटी छोरी, मैं उसका भी फोटो लिया जी। छोरी? छोटी छोरी? हाँ जी, फोटो जमे जी। देखा देखा तो हाँ, अजीब बात है। शर्मा इस लड़की को चित्र से देख लो। हैंगिंग गार्डन के पास कौन सा कॉन्वेंट है? मदर टेरेसा कॉन्वेंट सर। पता लगाओ ये लड़की कौन है। एंड गेट मी सम वीएस। वीएस वेजिटेबल सैंडविचेस, टेल द कॉन्स्टेबल। गुड इवनिंग, हु आर यू? हाउ आर यू? मेरा नाम है चार्ली गुडमैन, पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर? घबराने कोई बात नहीं, जस्ट मैटर ऑफ रूटीन। इस एरिया का इस एरिया की देखभाल करना मेरा फर्ज है। वेरी नाइस आईडी। आईडी? इंटीरियर डेकोरेशन, बड़ा शानदार मकान है आपका। ओ फ्रिज, एक गिलास पानी पी सकता हूं? रहन दीजिए, मैं ले लूंगा। इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट स्ट्रिक्टली कैश। You believe in God and cash? Business term. Right. Huh? Coke. Lala Manat, would you like to have a Coke? I'm sorry, Lala Amrit. Amrit Chand, would you like to have a Coke? Shukriya. Shukriya, yes or no? No. Oh. Opener. Here it is. लाला मिर्चन, मैंने सुना है कि आपकी छोटी बेटी हर्षा आजकल बीमार रहती है। जी, डॉक्टर कैलाश का इलाज चल रहा है। डॉक्टर कैलाश आर्या, साइकेट्रिस्ट। वेरी गुड डॉक्टर इंडीड। इसका मतलब है कि आपकी बेटी के दिमाग में कुछ बीमारी है। क्या बीमारी है? क्या वो सोते सोते चलती है, चलते चलते सोती है? जी ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? जस्ट मैटर ऑफ रूटीन, मैंने कहा ना इस एरिया की देखभाल करना मेरा फर्ज है। पावर चश्मे में? तू देखने के लिए पास मैं खड़ा हूं, मैं दिखा दे रहा हूं। थैंक गॉड। आपकी छोटी बड़ी घर में है? अभी बुलाता हूं, मैं खुद मिल लेता हूं। Ah.
लाला मीरचंद, आप कॉलेज में क्रिकेट खेलते थे ना? कैच, वेरी गुड। अब भी बात है आप में। डैडी, ये इंस्पेक्टर हमारे यहाँ क्यों आया? पता नहीं बेटी, कुछ अजीब सा आदमी है। स्लीप डॉग, स्लीप डॉग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकल, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तुम बिल्कुल ठीक करो, मैं कभी आया ही नहीं, पहली बार तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? क्यों अंकल? तुम बड़ी स्वीट हो, इसलिए। तुम्हारा फोटो मेरे पास ही, देखो। देखा? कब उतारा अंकल? ये हैंगिंग गार्डन में परसों उतारा। मैं तो नहीं गई वहाँ। तुम नहीं गई? तो जिसने ये फोटो उतारा उसने झूठ कहा। किसने उतारा? उसका फोटो भी मेरे पास है, ये देखो। पहचानती उसे? नहीं, मैं नहीं पहचानती। तुम उसे नहीं पहचानती? ओ जान लो, तुम्हारे कितने खूबसूरत बाल हैं। कौन सा तेल लगाती हो? जब्बा कुसुम, दादी ने दिया था। देखो कैसी खुशबू है। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू है। तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट ला लिया। वन फॉर माई डॉल। हाँ, वन फॉर दिस डॉल, वन फॉर दिस डॉल एंड टू मोर फॉर यू। थैंक यू अंकल। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी बड़ी बेटी वर्षा। अब इसका नाम? इस एरिया में कौन क्या है मैं सब जानता हूँ। मैं कहना चाहता था आपकी छोटी बेटी बहुत स्वीट है। मेरी बेटी मर्था भी इतनी स्वीट थी। थैंक यू। गॉड ब्लेस हर। तुम बहुत स्वीट हो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट अगेन। मैंने बीवी को चुड़ैल से डरा के 50% तैयार किया है। इसलिए? अरे किस लिए क्या, दूसरी शादी के लिए और किस लिए? Really? हाँ, और 50% सिर्फ लड़की के हाँ करने की दे रहे, बस काम बन गया। बहुत खुशी की बात है। लड़की कौन है? तुम पूछते हो कि लड़की कौन है? अरे ये कहकर तुमने मेरे दिल पे छुरियां चला दी, मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे मेरी जान, वो तुम ही तो हो। What? मैं? हाँ। शादी वाला होकर दूसरी लड़की से लाव करते शर्म नहीं आता? देखो यूसुफ, डॉक्टर से बोल के तुमको सर्विस से निकलवा देगा। अरे तुम क्या समझती हो कि मैं डॉक्टर से डरता हूँ? अरे मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं डरता, मैं शादी करना चाहता हूँ, कुछ तुमको भगा कर नहीं ले जाना चाहता। अरे बाप रे, ये देखो मेरे बाप। सुनो, अरे तुम इससे बात करो, मेरा रास्ता छोड़ो प्लीज। तू जान दे, जान दे। आइए 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 आइए। जहे नसीब, मैं तो खुद आपके पास हाजिर होने वाला था। खैर इस वक्त मैं खुद हाजिर हो गया, बाद में तुम हाजिर हो जाना। तशरीफ रखिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अपनी खिदमत मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा, तो बड़ी खुशी की बात है। जानते हो मैं कौन हूँ? जी हाँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप मेरे लिली के फादर हैं, मेरे वुड बी फादर इन लॉ। मैं फादर इन लॉ नहीं, फादर ऑफ लॉ हूँ। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब यह है कि मेरा नाम है पुलिस इंस्पेक्टर जॉली गुडमैन। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर आर्या कहाँ है? जी वो पागल खाने में है। पागल खाने में? जी वो पागल हो गए। नहीं, मेरा मतलब है किसी पेशेंट को देखने गए। कब आएंगे? जी कल परसों तक आ जाएंगे, आप तशरीफ रखिए। कल परसों तक? जी। तुम कौन हो? जी मैं उनका असिस्टेंट हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम यूसुफ। यूसुफ खान? जी वो नहीं, जी मैं डॉक्टर साहब का असिस्टेंट हूँ। डॉक्टर साहब के एक पेशेंट है, छोटी लड़की हर्षा, उसके बारे में क्या जानते हो? ओ इंस्पेक्टर साहब, आपने भी किसका नाम लिया? लोग कहते हैं कि उसके ऊपर भूत आते हैं और डॉक्टर साहब किसी सूरत में मानने को तैयार ही नहीं। कहते हैं उस पे दौड़े पड़ते हैं, दौड़े। जब दौड़े पड़ते हैं उस दरमियान वो क्या करती है? क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, जब दौड़े पड़ते हैं तो उसकी आवाज मर्दों जैसी हो जाती है और उसमें पहलवानों जैसी ताकत आ जाती है और वो एकदम बस 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 इतनी ताकत आती है कि गर्दन मरोड़ सकती है। अजी गर्दन क्या, उसके हाथ में लोहा दो तो लोहे को भी तोड़ सकती है। अगर उसके हाथ में लोहा न दो तो वो मुझे तोड़ देगी। जा, जाओ जा। शुक्रिया। यस,
पुलिस इंस्पेक्टर जॉली गुडमैन, आप मेरा आईसी देखना चाहेंगे? आईसी का मतलब आइडेंटिटी कार्ड। क्या मैं बैठ सकता हूं? थैंक यू, दैट विल डू डॉक्टर, थैंक यू। एक चम्मच शुगर। देखता हूं आपको उड़ने का बहुत शौक है। इंस्पेक्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? डॉक्टर, कोई खास बात नहीं, जस्ट अ मैटर ऑफ रूटीन। गुड कॉफी। एक और कप क्यों नहीं पी लेते इंस्पेक्टर? थैंक यू, थैंक यू। आपने आने का मकसद नहीं बताया। डॉक्टर, आपकी पेशेंट हर्षा के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहेंगे आप? कोई खास बात नहीं, एक छोटा सा मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। आई सी। लेकिन हर्षा जैसी मासूम बच्ची का इस मर्डर केस का ताल्लुक हो सकता है? डॉक्टर, हमने सुना है कि उसके ऊपर इविल स्पिरिट, आई मीन प्रेतात्मा का इफेक्ट है। यू मस्ट बी जोकिंग। इंस्पेक्टर, आप जैसे ऑफिसर इस साइंटिफिक दौर में भूत प्रेत की बातें करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। डॉक्टर, आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन। मैं जानना चाहता हूं आप उस लड़की के बारे में क्या जानते हैं। Since you want to know, Inspector, I'll tell you. She's a case of paranoid, split personality. कभी कभी दौरे जरूर पड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। Jolly good. लेकिन डॉक्टर, मैं जानना चाहता था कि जब उस लड़की पर प्रेतात्मा का असर, I'm sorry, जिस वक्त उस लड़की पर दौरे पड़ते हैं, तो क्या वो जो हरकतें करती है वो आम इंसान या नॉर्मल इंसान कर सकता है? नहीं। यही मैं जानना चाहता। देखिए, डॉक्टर विक्रम का मर्डर हैंगिंग गार्डन में 4 बजे हुआ, उसी जगह पर हर्षा भी मौजूद थी। लाश की गर्दन बुरी तरह पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। क्या आम इंसान ये कर सकता है डॉक्टर? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? डजंट मैटर। डॉक्टर, इसे आप पहचानते हैं? ना ना, छूना नहीं। जी नहीं। ये एक हेयर पिन है, आपने कभी हर्षा के पास इसे देखा है? जी नहीं। मैं कहना चाहता हूं ये हेयर पिन हर्षा का है और लाश के ऊपर पड़ा मिला। That's all, डॉक्टर, बाय बाय, हैव योर कॉफी इन पीस। कैलाश। अच्छा, तुम कब आई? काफी देर से। इसका मतलब है तुमने इंस्पेक्टर ने जो भी कहा वो सुन लिया? हाँ, घर पर भी आए थे। एक बात बताओ, कल तुम हर्षा को स्कूल लेने गई थी? हाँ, मगर वो स्कूल से जा चुकी थी। कॉफी कर। इंस्पेक्टर जॉली गुडमैन। कमिश्नर साहब, मेरी रिपोर्ट पढ़ने के बावजूद भूत प्रेत मानने को तैयार नहीं। सर, अगर वो मान भी ले तो कानून नहीं मानेगा। कानून को तो ईडब्ल्यू चाहिए, आई मीन आई विटनेस, जो कभी मिल ही नहीं सकता। जिन हाथ में खून हुआ है उसे ये साफ साबित होता है कि लड़की पर भूत सवार था। सर, डॉक्टर कैलाश की क्या राय है? डॉक्टर कैलाश MA हैं, आई मीन मॉडर्न अप्रोच वाले। हेयर पिन का मिलना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन सर, फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं मिले? भूत प्रेत के कई हाथ पैर होते हैं। अजीब बात है, लेकिन सर वो पढ़े लिखे लोग नहीं मानेंगे। क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं? लेकिन मैं साबित करके रहूंगा कि भूत प्रेत होते हैं। इसके लिए चाहे मुझे FL क्यों नहीं लगानी पड़े, आई मीन फुल लाइफ क्यों नहीं लगानी पड़े। क्या कैसा कैसा हो सकता है डॉक्टर कि हर्षा जैसी छोटी सी बच्ची एक आदमी का गला घोट कर उसे मार सके? हो सकता है। आप तो जानते हैं जब हर्षा पर दौरा पड़ता है उसमें ताकत कितनी बढ़ जाती है। उस हालत में वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन एक चीज मेरी समझ में नहीं आती, अगर हर्षा ने डॉक्टर विक्रम को मारा है तो हर्षा का डॉक्टर विक्रम से क्या ताल्लुक था? गांव में
में जब पहली बार हर्षू को दौरा पड़ा था तो डॉक्टर विक्रम ही आए थे इलाज के लिए, और इलाज के दौरान हर्षू ने उनके हाथ की हड्डी तोड़ दी थी। ऐसी हर्षा को इस बात का पता था कि डॉक्टर विक्रम शहर आए हुए हैं? नहीं, हमें से किसी को भी नहीं पता था। मेरे हर्षू को क्या होगा? क्या कानून से सजा देगा? अमीरचंद जी, हर्षा ने जो कुछ भी किया अपने होश हवास में नहीं किया, इसलिए कानून को उसके साथ पूरी हमदर्दी होनी चाहिए। आप इतना रखिए, मैं उसे मिलाता हूं। गुड मॉर्निंग डॉल। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? फाइन, एंड यू? सुपर फाइन। हाउ अबाउट अ लिटिल किस? दैट्स ग्रेट। अरे वाह, क्या बात है, इस गुड़िया को तो बहुत अच्छे कपड़े पहनाए हैं तुमने, जरूर दीदी ने बनाया होगा। हाँ दीदी ने, वो तो 24 घंटे आपके ख्याल में खोई रहती हैं। ये कपड़े मैंने बनाए हैं। यू बीइंग नॉटी अगेन। हर्षू, अब एक बात बताओ, तुम्हें इस गुड़िया में कोई कमी नजर आ रही है? नहीं तो? मुझे आ रही है। क्या? अगर इसके बालों में तितली जैसा हेयरपिन होता तो ये गुड़िया बिल्कुल तितली जैसी लगती। हाँ, मेरे पास है, अभी मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हेयरपिन है, इसके साथ वाला भी होगा तुम्हारे पास? नहीं मिलता। खैर कोई बात नहीं, अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। हाँ, यू आर वेरी ग्रेट डॉग। क्या हुआ दीदी? आपने चिल्लाकर मेरी गुड़िया को डरा दिया। हर्षो। यस डॉग। कम हियर। मुझे तुम्हारी एक चीज मिली। क्या? हेयर पिन। कहाँ है? डॉल, ये तुम्हारा ही हेयर पिन है ना? हाँ, मेरा है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम स्कूल के बाद यहाँ घूमने आई थी? नहीं, मैं नहीं आई थी। डॉल, अगर तुम यहाँ नहीं आई थी तो ये हेयर पिन यहाँ कैसे आ गया? मेरा ख्याल है डॉग, उड़ के आ गई होगी, तितली है ना। दीदी, तितली मिल गई, अब खामोश क्यों है? अच्छा, आप समझी, आप और डॉक अंकल जी भर के बात करिए, मैं घूमने जाती हूँ। हर्षू का यहाँ आना और डॉक्टर विक्रम से मिलना, उसे बिल्कुल याद नहीं। अब मुझे यकीन हो गया, जो भी डॉक्टर हर्षू के इलाज के लिए आएगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब समझा, तुम घर में इसीलिए डर गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो तुम्हारा गला। तुम्हें डर है ना कि वो मुझे मार डालेगी? मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं वर्षो, अगर तुम्हारी बहन का इलाज करते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मेरे लिए फख्र की बात है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बेगम, खुशबू से पता चल रहा है कि सलमा के दस्तरखान की मुर्गी बहुत अच्छी बनी होगी। मैंने पहले ही कहा था कि उंगलियां चाटोगे, अब आई ना खुशबू। मैं चपाती लाई। ला। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुर्गी बहुत गर्म है। बेगम, तुम्हारे सलमा के दस्तरखान की मुर्गी को देख मेरा पेट भर गया। अच्छा, खाओगे तो और मजा आएगा मेरे सरताज। पहला निवाला मेरे हाथ से ले लो ना। अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, क्या मुर्गी बनी है, मगर थोड़ा सा नमक कम है। मैंने ठीक ही डाला था कि दाल देखकर।
तुमने तो ठीक ही डाला, मगर ये भूत पलित की बातें सुनकर मेरे जबान का जायका बदल गया है। थोड़ा नमक ले आओ ना। अच्छा लाती हूँ। सारी की सारी मुर्गी चट कर गए और डकार भी नहीं ली। अरे बेगम, सलमा के दस्तरखान की मुर्गी थी, फौरन उड़कर मेरे पेट में चली गई। अगर इसी तरह तुम मुझे मुर्गियाँ खिलाती रही तो इंशाल्लाह एक दिन मैं जरूर अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। क्या कहा? नहीं, भूल हो गई, मेरा मतलब ये था कि मैं जरूर तुम्हारा प्यारा बनूंगा। पपम पपम पपा पपा पम पपा 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 पपा। अब ये बताइए कि इस बात का फैसला कैसे होगा कि तुम दोनों में से मेरे साथ पहले कौन चलेगा? टॉस डॉक। ओके, कौन? दीदी पहले तुम बोलो। टेल हेड। हेड दीदी, आई वन। आई कम बैक फॉर यू। बाय। इंस्पेक्टर जॉली गुडमैन स्पीक। आइए खाना। डॉक्टर कैलाश धारसा कहां गई है? फ्लाइंग क्लब। ओके। नहीं, फिर से दौरा पड़ गया। वंडरफुल एक्रोबेटिक्स डॉक्टर, हवा में बहुत अच्छी कलाबाजियां कर रहे थे आप। मजा आया आपको? बहुत। किसी दिन साथ चलिए इंस्पेक्टर। एक्सक्यूज मी, मैं तो जमीन पर कलाबाजियां खाना ज्यादा पसंद करूंगा। सेवन एट सिक्स। डॉक्टर, इस नंबर ने तुम्हें बचा दिया, वरना जिंदगी से कलाबाजी खा जाते। लग। डैडी, डॉग बहुत अच्छे पायलट है। आज मैं प्लेन में बैठी थी उनके साथ। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगा बेटी? नहीं, बहुत मजा आया। दीदी को नहीं पिटा ना, इसलिए दीदी नाराज हो गई। बात बोलो। दादी, हर्षू एकदम पागल हो गई है। आज उसने कैलाश को मारने की कोशिश की। दादी, हर्षू का कुछ कीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। कैलाश को आ जाने दो। मेरी
फोटो बना रही थी आपकी और डॉक अंकल की, पार्क में गाना गाया था ना, देखो तो मेरी डैडी को, डैडी 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 कितनी प्यारी जोड़ी है। अच्छा हुआ दीदी का उस बंदे से पीछा छूट गया, ये जोड़ी पसंद है ना, मैं माँ को भी दिखा कर लाती हूँ। जोड़ी पसंद है ना, इन्हें आशीर्वाद दो। छोड़ेगी प्लेन में उसने तुम्हें मारने की कोशिश की और घर में कह रही थी वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सब सुन के मेरा दिल हिल गया, कहीं वो तुम्हें भी। तुम यूं ही घबरा रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये एक साइकिक केस है, अ मैटर ऑफ ड्यूअल पर्सनैलिटी। मैंने इसकी केस हिस्ट्री अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पैरासाइकोलॉजिस्ट को भेज दी है, कुछ ही दिन में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। कम ऑन चेयर अप, कम ऑन चेयर अप। गुड इवनिंग डॉक। गुड इवनिंग डॉल। हाउ आर यू? फाइन एंड यू? सुपर फाइन। ओह दैट्स ग्रेट, वेयर इज डैडी? यू मीन दीदी? यू आर बीइंग नॉटी अगेन। वर्षा, गुड न्यूज, हर्षा की रिपोर्ट और दवाइयां अमेरिका से आ गई। सच? डॉक्टर, रिपोर्ट ठीक तो है ना? इट्स अ केस ऑफ पैरानॉइड। पैरानॉइड? ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से आदमी अपने आप को भूल के दूसरा बन जाता है। बट इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, शी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑलराइट। अच्छा सुनो, अगर इसके बाद दौरा पड़े तो उसकी फोटोग्राफ जरूर ले लेना, और हो सके तो आवाज भी टेप कर लेना। जी। ये दवाइयां जो मैं लाया हूँ आज रात से इशू कर दो। अच्छा। ये रात सोते वक्त और ये सुबह। बस 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 बस, मैं तो दवाई खा खा कर बोर हो गई हूँ। आप तो 24 घंटे के डॉक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी डॉक्टरी भूल जाइए ना। तो फिर क्या करूँ? मिठाई खाइए। किस खुशी में? पहले खाइए फिर बताती हूँ। खाइए। अब बताइए। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ ना, इसलिए डैडी ने कहा है कि गुड न्यूज मैं सुनाऊँ। डैडी मैं सुना दूँ? सुना दो बेटी। मेरे बर्थडे पर आप दोनों की सगाई का ऐलान किया जाएगा। हमारी बेटी ने बिल्कुल सही ऐलान किया है। हर्षु, क्या कर रही है? आप देखते नहीं मैं कितनी बिजी हूँ। हाँ बाबा मालूम है, बहुत बिजी है। चल जल्दी से गोली खा ले फिर सो जाना। रख दो, खा लूंगी। हर्षु जिद ना करो, चलो खाओ जल्दी से। सामने खा लूंगी। खाओ ना। शाबाश। गुड नाइट एंड टेक लवली ड्रीम्स ऑफ योर डॉग अंकल। सो जाना। हाँ डॉग अंकल तो ठीक ही कहते थे, दीदी तो मुझे बीमार करने पर तुली है, जब देखो दवा दवा दवा।
गुड नाइट। सोई पड़ी है, तुम ख्वाब तो नहीं देख रही थी? नहीं कैलाश, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो दो आवाजों में किसी से झगड़ा कर रही थी। तुमने फोटोग्राफ्स लिए? हाँ। आवाज टेप की? नहीं, उसी वक्त बिजली चली गई थी। दवाइयां दी? हाँ। डॉक्टर, वो आत्मा इस बच्चे को दवा खाने नहीं देगी। ये रही दवा। तुमने ठीक ही कहा था, बिजली के फेल हो जाने की वजह से उसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो सकी। लेकिन ये फोटोग्राफ क्यों मैं एक्सपोज हूं? वो इसलिए कि कैमरा और फ्लैशलाइट एक साथ नहीं चले। मैंने कैमरा भी एग्जामिन करवा लिया। लेकिन ये सब दौरा पड़ते ही क्यों होता है? अगर हर्षा उस रात दवाई खा लेती तो शायद ये दौरा नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं जानने की कोशिश करूंगा कि गांव में जब पहली बार उस पर दौरा पड़ा था, उस वक्त उस पर क्या गुजरी थी, क्या बीती थी। उसे तो कुछ भी याद नहीं रहता, वो क्या बताएगी? I'll hypnotize her. तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं, तुम्हें थकन सी महसूस हो रही है, अब तुम्हारी पलकें बंद होने लगी हैं, तुम सोना चाहती हो, सो जाओ, सो जाओ। अब तुम गुजरे वक्त की तरफ जाओ और पीछे जब तुम गांव जा रही थी, अब तुम गांव जा रही हो हर्षा, याद आया ना? डैडी और दीदी भी है, चारों तरफ हरियाली है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर क्या हुआ? एक लड़का भागकर आ रहा है, बिल्लू है ये। बिल्लू? हाँ। डैडी से कह रहा है गांव जाने से पहले पीपल को प्रणाम कर जाना, लेकिन डैडी और दीदी नहीं माने। गांव में गाड़ी आ गई, मैं दादा दादी से मिली, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। फिर बोलो। मैंने बिल्लू से पूछा कि पीपल के नीचे प्रणाम नहीं करे तो क्या होता है। उसने बोला बहुत कुछ होता है। उसने आगे बढ़ो शा। You
आशा। शर्मा, गुजरोली पुलिस स्टेशन से 25 साल पहले का रिकॉर्ड आया है। पन्नालाल साहू का मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में खून हुआ था। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए केस बंद कर दिया गया था। उसके तीन पार्टनर थे, विक्रम, सुखदेव और बलबीर सिंह। मेरा ख्याल है कि इन तीनों ने मिलकर उसका खून किया। मतलब? इसलिए कह रहा हूं शर्मा कि पन्नालाल के फौरन मौत के बाद ये तीनों आदमी मालामाल हो गए। हाउ? लेकिन सबूत? यस, बट दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड शर्मा। मुझे यकीन है कि पन्नालाल की भटकी हुई आत्मा उस लड़की के जरिए इन तीनों से बदला लेगी। और इस कहानी को समझने के लिए खैर विक्रम तो मारा गया, हमें सुखदेव और बलबीर से मिलना है। हेलो, मैं सुखदेव बोल रहा हूँ। कौन? सुखदेव? अरे सुखदेव, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं बंबई आया हूँ? हाँ हाँ, लेकिन एक जमाना हो गया जो पार्टनर थे। हाँ हाँ, अमीरचंद। ये अमीरचंद कौन भाई? ओ, अपने गांव वाला। अच्छा, उसके यहाँ पार्टी है भाई। मैं आने की कोशिश जरूर करूंगा, आऊंगा भी, लेकिन ज्यादा देर नहीं ठहर सकता क्योंकि 8 बजे मेरी फ्लाइट है। Thank you.
मेला जुड़ता रहे खुशियों का मेला गंगा भिगाए जमुना भिगाए लाखों बरस तक आए बेला जुड़ता रहे खुशियों का मेला गंगा भिगाए जमुना भिगाए दोनों का संगम चंद ये खुशखबरी मुझे सुखदेव ने टेलीफोन पर सुनाई और खुद गायब है। कौन सुखदेव? अभी मेरा पार्टनर हुआ करता था कलकत्ते वाला। अच्छा अच्छा वो सुखदेव। अगर उन्होंने आपको फोन किया तो वो भी आते ही होंगे, आप खाना ना खा भी जाइए। मुझे तो माफ करना पड़ेगा, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, मेरे उड़ने का वक्त हो रहा है। अमित चंद गॉड ब्लेस यू योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच। वही तेरा पुराना पार्टनर जिसे तूने बेदर्दी से मार दिया था सिर्फ दौलत के लिए। इंस्पेक्टर जॉली गुडमैन। क्या सिंह का खून लिफ्ट में हो गया? उसकी गर्दन भी मुड़ी हुई होगी। ये नामुमकिन है इंस्पेक्टर, आप हर्षा को अपनी हिरासत में नहीं ले सकते, उसका इलाज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। डॉक्टर दो खून हो चुके हैं, दूसरे खून से हर्षा का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है डॉक्टर, आपने ख्याल नहीं किया, सिंह की गर्दन भी उसी तरह मुड़ी हुई थी जैसे डॉक्टर विक्रम की। And I'm sure the third victim, तीसरा विक्टिम है उनका तीसरा पार्टनर सुखदेव। इंस्पेक्टर पन्नालाल की रूह अपने पार्टनरों से बदला ले रही है, इट्स एन अब्सर्ड थ्योरी, ये आपकी अपनी राय है, आई रिफ्यूज टू बिलीव इट। आपका कहने का मतलब यह है कि हर्षू अब कलकत्ता जाके तीसरे पार्टनर सुखदेव का भी खून करेगी? हाँ डॉक्टर, इट्स पॉसिबल, दैट इज द स्पिरिट, रूह उस लड़की को कहीं भी ले जा सकती है। अगर रूह उस लड़की को कहीं भी ले जा सकती है इंस्पेक्टर, तो पुलिस की हिरासत से भी ले जा सकती है। Well, ले जा सकती है, लेकिन उसका जिम्मेदार हूंगा मैं। लेकिन इस वक्त हर्षा का जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि वो मेरी पेशेंट है। आई एम सॉरी डॉक्टर, आपके ट्रीटमेंट के दौरान दो खून हो चुके हैं, ये आपका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेरी समझ में नहीं आया। इंस्पेक्टर जॉली गुडमैन, जिस इल्म को हासिल करने के लिए मैंने 7 साल यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज की छानबीन की है, आप उसे इतनी जल्दी समझ आना चाहते हैं? डॉक्टर जिस इल्म की छानबीन आपने बिल्कुल नहीं की, उसको समझने के लिए 7 साल तो क्या लोगों की उम्र गुजर गई। गुड नाइट इंस्पेक्टर। वेल गुड नाइट। इंस्पेक्टर गुडमैन, डॉक्टर अभी आपने जो देखा मैंने भी देखा, अब तो आपको यकीन आया। इंस्पेक्टर इन खंडों में ऐसा ही हुआ करता है, इस पे खास बात क्या लगी आपको? डॉक्टर हम क्रिश्चियन लोगों का बिलीफ है कि जिस घर में 3 साल बत्ती नहीं जलाया जाता वहां इविल स्पिरिट यानी प्रेतात्मा आती है,
और ये तो उस आदमी का घर है जिसका यहाँ खून हुआ। वो जब लड़की आई थी, ये देखिए उसका डॉल है, तब उसकी प्रेतात्मा यहाँ मौजूद थी। अगर कोई मंत्र जानने वाला या तांत्रिक यहाँ होता तो शायद लड़की बच जाती है। आप फिर से हंस रहे हो डॉक्टर, आप बिलीव नहीं कर रहे हो। देखिए ये काम खुदा के उन बंदों का है जिनको स्पिरिट निकालने की ताकत मिली है। बाबू जी मोटा थे कि मैं समझा कि आमिर बाबू और बीबी जी शहर गए। लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम है बिल्लू। बिल्लू? हाँ बिल्लू बिल्लू। तो तुम ही हो जो हर्षु को इस खंडर में ले आए थे? नहीं मैंने, वो खुद आई थी। अगर वो खुद यहाँ आई थी तो उसको भूतों की कहानी किसने सुनाई? मम्मी मुझे खुद पूछी, मैंने अपने गान बन रही है मोटी की कहानी सुना दी। सुन लिया इंस्पेक्टर जॉली गुड मैन, यही वो कहानी थी जिसको हर्षा ने अपने दिमाग में बिठा के इस खंडर से ले गई थी। नो डॉक्टर, वो कहानी दिमाग में बिठा कर नहीं ले गई थी, उस प्रेतात्मा उस इविल स्पिरिट को बिठा कर ले गई थी। इंस्पेक्टर अगर इस खंडर में इस वक्त इविल स्पिरिट है तो आप उससे कहिए कि मुझ पर आ जाए, इसलिए कि मैं उसका घर जलाने लगा हूं। नो डॉक्टर, यू विल नॉट डू दैट। यस इंस्पेक्टर, आई विल डू इट। बाबा जी क्या हुआ बिल्लू? शहर से एक दरोगा और बाबू आए थे, बिल्डिंग बनाने के खंडर में आग लग रही है। आग का नजर आना, दूध का लाल हो जाना, ये तुम्हारा वहम है वर्षा, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, हर्षो को जो गांव में पन्नालाल के बारे में कहानी सुनाई गई थी, ये इसके दिमाग पर असर कर गई है। लेकिन ये बात उसके दिमाग से निकाली कैसे जाए? इसके लिए शायद मुझे उसके ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा और उस टिश्यू को निकालना पड़ेगा जिसमें वो पुरानी बातें जज भूल चुकी है। इट्स अ बहुल ऑपरेशन, नथिंग टू वरी अहेड अबाउट। कमिश्नर साहब मेरी थ्योरी को अफसाना समझ रहे हैं। बलबीर से मिलने में जरा देर हो गई, पर ये अफसाना इस साल का BN होकर रहता है। सर BN बिग न्यूज सर, कहीं प्रेस वाले इस बात का मजाक ना उड़ाए। प्रेस वाले तो अब भी मजाक उड़ा रहे हैं, दो खून हो गए लेकिन मुजरिम का कोई पता नहीं। अब सुखदेव से मालूम करना है कि वो इस खून में शामिल था या नहीं। हेलो, मैं सुखदेव बोल रहा हूँ, कौन है? मैं अनुपमा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। सुखदेव मैं मौत के बिस्तर पर हूँ और मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हें देना चाहती हूँ। अच्छा, मैं फौरन फर्स्ट फ्लाइट से बम्बई आता हूँ। किसी को बताना नहीं? नहीं नहीं नहीं, सुखदेव लाल दुखी तो अपने सहाय को भी कुछ नहीं बतलाता। हर्षा हर्षा, आए ए ए, उठो 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 उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे अरे, मैंने बड़ा भयंकर सपना देखा है। मुनिया की तबीयत बहुत खराब है, बजरंगी बाबा सपने में कहे गए हैं। कौन? गंगाराम? प्रभु, हम आपके दया की भीख मांगने आए। हम जानते हैं आपकी पोती अभी तक प्रेत आत्मा से मुक्त नहीं हो पाई और होगी भी नहीं। प्रेत आत्मा अपना बदला ले रही है और बदले की आग को शांत करना सरल नहीं है। कृपा दयालु, मैं आपके आगे दया की झोली फैलाती हूँ, मेरी छोटी बिटिया को ठीक कर दीजिए महाराज। माई, ये तो विश्वास की बात है, क्या आपकी पोती का घमंड टूट गया? महाराज वो नादान है, आप ज्ञानी हैं, दयालु हैं, हमें आप पर उतना ही विश्वास है जितना भगवान पर। हम भगवान नहीं मनुष्य हैं। हाँ, भगवान के पद की विद्या कुछ कुछ जानते हैं। प्रेतात्मा अपना लक्ष्य पूर्ण किए बिना नहीं जाएगी, उसे एक और बलि चाहिए। महाराज मेरे प्राण ले लीजिए, मगर मेरे फूल से बिटिया को बचा लीजिए। नहीं महाराज नहीं, मैं दुनिया से सुहागिन जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी जान ले लीजिए महाराज। अरे मूर्ख, तू मर जाएगी तो पोतियों का ब्याह कौन करेगा? नहीं तुम चुप रहो, महाराज जी मेरी जान ले लीजिए। तू चुप रहो, मैं पाँव पड़ता हूँ। राम जी।
जी शांति शांति। हम आप दोनों के प्यार ममता और बलिदान की भावना देखकर अति प्रसन्न हुए और आपको वचन देते हैं कि आपकी बालिका की रक्षा अवश्य करेंगे। प्रभु मैं सच कहती हूँ, मैंने फोन नहीं किया था। सुखदेव लाल दुखी कभी धोखा नहीं खा सकता। मैं तो तुम्हारी बीमारी खबर सुनकर ये फूल लाया हूँ। सुखदेव मैं तुम्हारी अदाएं खूब जानती हूँ। कैलाश का एक्सीडेंट हो गया? कहाँ है वो? अपने क्लिनिक में? अच्छा वर्षा, वर्षा डॉक्टर कैलाश का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आओ। कैलाश कहाँ है, कैसे है? घबराने की बात नहीं, डॉक्टर उनके एक्सरे ले रहे हैं। थैंक गॉड, मैं तो घबराई गई थी। वर्षा तुम डॉक्टर कैलाश को समझाओ कि हर्षा के ऑपरेशन का ख्याल छोड़ दें। इविल स्पिरिट प्रेतात्मा ये ऑपरेशन होने नहीं देगी। मैं कैसे समझाऊं? वो आपकी थ्योरी किसी हालत में मानने को तैयार नहीं। अगर नहीं मानेंगे तो अपनी खुद की जिंदगी खतरे में डाल देंगे। इस एक्सीडेंट से वो जिस तरह बचे हैं उसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है। एक तरफ बहन की बीमारी, दूसरी तरफ कैलाश, अगर दोनों में से किसी नहीं को... नहीं, गॉड ब्लेस हिम एंड यू बोथ। तुम दोनों एलपी हो, लवली पेयर। थैंक यू डॉक्टर। क्या बस में आ गए? बिल्कुल ठीक है, एक्सरे रूम में। वर्षा अगर सब हो गया, हर छु पागलों की तरह चला रही है। बजरंगी बाबा मैं आ रही हूँ, बजरंगी बाबा मैं आ रही हूँ, बजरंगी बाबा मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। हमारी आज्ञा है बालिके, हमारे पास आओ। नहीं आऊंगा। कब आए? आप कब आए? इंस्पेक्टर मुझे पहेलियां बुझाने की आदत नहीं है, आप अपने आने का मतलब बतलाइए। मैं ये कहना चाहता था कि आपके दोस्त पन्ना लाल फिर से जिंदा हो गए हैं। व्हाट रॉट, पन्ना लाल कैसे जिंदा हो सकता है, उसे मरे हुए 20 साल हो गए हैं। इसका मतलब आप पन्ना लाल को जानते हैं? हाँ जरूर। मैं ये कहना चाहता था कि पन्ना लाल की रूह ने आपके दो दोस्त विक्रम और बलबीर को जान से मार दिया है। अब आपकी बारी है। विक्रम बलबीर इससे मेरा का ताल्लुक है? है। आप तीनों ने मिलकर पन्ना लाल का खून किया था। क्या सबूत है आपके पास? सबूत नहीं है। तो जब सबूत मिल जाए तब तशरीफ लाइएगा। गुड इवनिंग। गुड गुड नाइट। अनुपमा पन्ना लाल के खून का सिर्फ तुम जानती हो, पुलिस को यहां बुलाने क्या मतलब था? मैं बेवकूफ नहीं, इस रात को राज रखी की कीमत तुम मुझे बरसों से देते हो, लेकिन हो सकता है कि पन्ना लाल के रूह की बात सच हो। हाँ।
ये दौलत मेरी है, सिर्फ मेरी, किसी को हिस्सा नहीं दूंगा। अरे पन्नालाल, हमने हिस्सा कहाँ मांगा है, सारी दौलत हमें दे दो हिस्सा खत्म हो जाए। बोलो बोलो, धन कहाँ गा रखा है, बोलो। नहीं नहीं बताऊंगा। देखते हैं धन प्यारा है कि तन। बता था उधर कोने में दबी। मिल गई पार्टनर, सारी दौलत मिल गई। अब पन्ना लाल को ठिकाने लगाता हूँ। सोच समझ के वैद्य जी, कहीं पुलिस हमें ठिकाना न लगा दे। अरे नहीं नहीं बलबीर सिंह जी, सुखदेव लाल दुखी कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता है। इस काले नाक को ये काला बिच्छू ऐसे डसेगा कि पुलिस भी धोखा खा जाएगी। पन्ना लाल, ये शुभ काम तुम अपने हाथों से करो तो बहुत अच्छा है। तुम्हारे पुण्य कमाने में हम तीनों गवाह तुम्हारे सामने खड़े हैं। गिराओ, नहीं तो इससे भी बुरी मौत मरोगे। जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बदला लूंगा, बदला लूंगा। ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर कह रहे थे तुम्हें समझाने के लिए, तुम हर्षु के ऑपरेशन का ख्याल छोड़ दो। क्यों? उसे फिर से दौरा पड़ा। कब? अभी। डैडी कह रहे थे बजरंगी बाबा के पास जाना होगा। बजरंगी बाबा कौन है? हर्षु को बजरंगी बाबा के पास ले जा रहे हैं। कैलाश मत रोके उन्हें, हर्षु का गांव जाना ही ठीक है। तो इसलिए उसकी जिंदगी का सवाल है, कहीं हर्षु की जिंदगी के साथ तुम्हारी जिंदगी भी। हर्षु, हर्षु, हर्षु बेटी, हर्षु, अतुलित बल धाम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण पते वरदूतम वात जातम नमामि। ओम।
रणरंगी की जय 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 बजरंगी की जय 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 रणरंगी की जय 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 रणरंगी की जय 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 बलवंता की जय 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 हनुमंता ओम जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली उमेश बालिका के शरीर को छोड़ना होगा नहीं बिल्कुल नहीं तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस बालिका ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है इसने अपनी काया में छाया दी है
अपने भोलेपन में इसने 20 साल से बंद तुम्हारी प्रेतात्मा को शरण दी है, इसका बदला इसे इस तरह दे रहा हो। इसकी काया की छाया में मेरा लक्ष्य पूरा हो रहा है, मुझे मुक्ति मिलेगी। शक्ति को मुक्ति के लिए एक बालिका का सहारा? अगर अपनी शक्ति पर इतना ही घमंड है तो अपना लक्ष्य स्वयं ही क्यों नहीं पूरा करते? प्रेतात्मा बिना काया के निष्काम है, तू जानता है, इसलिए शरीर में नहीं छोड़ सकता। जब जब धर्म और अधर्म में युद्ध हुआ है, धर्म ही की विजय हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। क्या मैं अधर्म हूँ? नहीं, तुम भूतकाल हो, मैं वर्तमान हूँ। भूतकाल बीता हुआ है, मरा हुआ है, छोड़ दो उसके शरीर को। जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। हमने बालिका की रक्षा का वचन दिया है, छोड़ दो इसे। अगर तूने इसकी काया को छोड़ने पर मजबूर कर दिया तो मुझे सारे गांव को जलाकर भस्म करना पड़ेगा। हमारी मंत्र शक्ति के आगे तुम्हारी शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती। हमारी आज्ञा का पालन करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओम काली कपाली दई दई स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। तुम तो अर्चा के इलाज कर ही रहे हो, अब इस तांत्रिक को भी अपनी छाती टुकड़ा कर लेने दो प्लीज। भूखाल भूखाल था था। छोड़ दो मुझे बाबा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा लक्ष्य पूरा कर दो, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। विष्णु पिंगलाय फट स्वाहा। माय गॉड, तुम मेरे दोस्त बनते हो, पुलिस की फाइल देकर मुझे इतना नहीं बता सकते कि आखिर विक्रम और सिंह की मौत हुई कैसे? मतलब
बेटी की शादी है ना। शादी 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 डॉक्टर, तब भी आपको यकीन नहीं कि हर्षा तांत्रिक विद्या से अच्छी हुई? हर्षा तो ठीक हो गई। वैसे तांत्रिक का इलाज अकल से बाहर नहीं, इसे मेडिकल साइंस में क्रूड साइकिक ट्रीटमेंट कहते हैं। क्रूड? वो इसलिए इंस्पेक्टर के, अक्सर इसमें पेशेंट की मौत हो जाती है, लेकिन इन दिस केस हर्षा वाज लकी। एनीवे डॉक्टर, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, शेक्सपियर। जी, दादी ने कहा था आप तो दूध की जरूरत पड़ेगी, आधा आप ले लीजिए और आधा दीदी को। आउट आउट। गुड नाइट। हर्षु बिल्कुल ठीक हो गई है पहले की तरह। कैलाश, तुम अब भी भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास नहीं करते? डॉक्टर कैलाश अभी तक नहीं मानता, लेकिन शायद तुम्हारा कैलाश मानने लगा है। बड़े भटकते हैं लाखों पंडित, हजारों मुल्ला, करोड़ों सियाने, जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने, खुदा की बातें खुदा ही जाने।